हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आज एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझाएंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अभ्यास क्वेश्चन 1.13 को लेकर। यदि आप पुरानी बुक रखते हैं तो ये नंबर आपको मिलेगा 2.13 पर। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 6.56×10³³ एथेन युक्त एक संतृप्त बिलियन में एथेन का आंशिक दाब 1 bar है। यदि बिलियन में 5.00×10²² एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे और फिर इसको लगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे पास एक बिलियन है, तो चलिए पहले इस बिलियन को तैयार करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पात्र लिया। इस पात्र में एक विलायक को, जैसे मान लीजिए हमने जल को भर लिया और इस जल में हम घोलना चाहते हैं एथेन को, तो एथेन गैस को इसके ऊपर हमने रख लिया है, जिसके मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पर ब्लैक डॉट से यानी कि काले बिंदुओं से आपको दिखाया। इसके ऊपर हम एक पिस्टन लगा देंगे, क्योंकि गैस है तो गैस बाहर ना जाए इसके लिए हम पिस्टन लगा दिए। अब यहाँ पर जो द्रव सतह पर गैस का दाब पड़ रहा है, जिसको यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया है, इस दाब को हमने मेंटेन किया है 1 bar पर। और जब 1 bar पर मेंटेन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एथेन की 6.56×10³³ मात्रा इस विलायक में घुल गई और एक बिलियन तैयार हुआ। आप पढ़ चुके हैं कि हेनरी के नियम के अनुसार किसी भी द्रव की सतह पर गैस का जो दाब होता है, इसी के अनुसार पदार्थ द्रव में घुल पाते हैं। यानी कि जब ये दाब आंशिक दाब अधिक होगा तो विलेयता भी अधिक होती है। तो यहाँ पे 1 bar दाब मेंटेन करने पर इतनी मात्रा घुल पाई है। बात क्लियर है? हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ऐसा ही एक दूसरा निकाय हम तैयार करें और जिसमें एथेन की घुली हुई मात्रा 5.00×10²² हो, तो कितना दाब मेंटेन रखना होगा कि इतनी मात्रा घुल पाए। अब क्योंकि मात्रा बदल गई है तो आप जानते हैं कि दाब भी बदल जाएगा, क्योंकि हेनरी के नियम में हमने पढ़ा है कि गैस का दाब जितना अधिक होगा उतनी ही मात्रा द्रव विलायक में घुल पाएगी। बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन की इस बात को समझने के बाद आपके अंदर अपने आप उत्पन्न हो गया होगा एक बात कि ये क्वेश्चन हेनरी के नियम पे बेस्ड है, तो यहाँ पर हम हेनरी नियम के फार्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हेनरी नियम का फार्मूला होता है P=KH×X। यहाँ पर P है गैस का आंशिक दाब और KH है हेनरी स्थिरांक और X यहाँ पर है विलयन में उपस्थित गैस का मोल अंश। बात क्लियर है? तो पहले यहाँ पर हम पिछले वाले यानी पुराने वाले निकाय पर लगाएंगे, जहाँ पे दाब को 1 bar रखा गया था, और इस निकाय पर ये फार्मूला लगाकर हम KH का मान निकालेंगे और फिर इस KH का मान यूज करके हम नए वाले निकाय को सॉल्व करेंगे यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर गैस का आंशिक दाब 1 bar तो दिया ही है, KH हम यहाँ से निकालना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले हम X को कहीं से ढूंढते हैं। तो X हमारे क्वेश्चन में सीधा नहीं दिया गया है, फिर भी X का फार्मूला हमको पता है। X यानी कि मोल अंश, तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल n मैंने लिखा है। अब यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या तो नहीं दी गई है, लेकिन इसकी घुली हुई मात्रा ग्राम में दी गई है। तो यहाँ से हम मोल अंश का एक मोलों की संख्या का फार्मूला लगा सकते हैं कि मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान उसका मोलर द्रव्यमान यानी W अपान m। तो W का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 6.56×10³³ यहाँ पे देखो इतनी मात्रा घुली है, और यहाँ पे m का मान 30 होगा। अब क्वेश्चन है ये m का मान कहाँ से मिला? तो एथेन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए C2H6, और इस अणुसूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को आप जोड़ लेंगे तो एथेन का मोलर द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। जैसे कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है, तो कार्बन की संख्या 2 है तो 12 × 24, और हाइड्रोजन का 1 होता है
और संख्या 6 है तो 6, तो 24, 6, 30, तो इस प्रकार हमको मोलर द्रव्यमान मिल गया एथेन का 30, तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया है। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने से जो कैलकुलेशन होगा वो आगे चल के काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देंगे, हम लोग इसी रूप में यूज करेंगे, जिसका फायदा आपको आगे मिलेगा। अब यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या मिल गई है, और विलायक के मोलों की संख्या को हम यहाँ पर कैपिटल एन ही मान लेंगे, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान तो दिया नहीं गया है, तो इसको निकाला नहीं जा सकता। अब बिना निकाले भी हमारा काम बन जाएगा, यहाँ पर आगे आप देखना कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर इस मान को यदि हम इस फार्मूले में रख लें तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 6.56 गुणे 10 का पावर ऋण 3 अपान 30, और इस पूरे का अपान n, ये जो आपका कैपिटल n है इसको हमने लिख दिया। आप कहेंगे सर अपान में तो स्मॉल n प्लस कैपिटल n था, यानी विलेय के मोलों की संख्या भी थी, तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को हमने हटा दिया है। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या आप देखो इतनी है, जो कि एक बहुत ही कम वैल्यू है। अगर इसको हम विलायक के मोलों की संख्या में जोड़ेंगे भी तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को निगलेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे n स्मॉल n प्लस कैपिटल n के स्थान पर केवल हम कैपिटल n यानी विलायक के मोलों की संख्या को ले लिए और स्मॉल n को निगलेक्ट कर दिए हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। तो इस प्रकार यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये n जो है 30 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको ये मान मिल जाएगा। इस प्रकार x का मान यानी कि मोल अंश का मान हमको मिल गया। अब इस फार्मूले में जो दिया गया है p इक्वल टू kH इंटू x, तो p के जगह पे हम 1 रख सकते हैं, kH के जगह पे kH रहने देते हैं, x के जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ से यदि kH का मान हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30n अपान 6.56 इंटू 10 का पावर -3 यहाँ पे kH का मान मिल जाएगा। तो इस तरह हमने पहले वाले निकाय से kH का मान निकाल लिया। अब इस kH का मान, इस kH के इस मान का यूज हम लोग करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी दूसरी परिस्थिति पे इसको लगाएंगे। यहाँ पे भी फार्मूला हम लोग यूज करेंगे p इक्वल टू kH इंटू x। तो p यहाँ पे दाब है और इस बार यही दाब हमको निकालना है, गैस का आंशिक दाब। kH का मान हमको पता है और x यहाँ से हम निकाल सकते हैं जैसे कि पिछले कंडीशन में हमने निकाला था। तो चलो पहले x को सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल n, यानी विलेय के मोलों की संख्या अपन विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या के लिए हम लगा लेंगे w अपन m। w का मान यहाँ पे दिया गया है 5.00 गुणे 10 का घात ऋण 2, क्योंकि इतनी एथेन की मात्रा खुल रही है और एथेन का मोलर द्रव्यमान 30 होता है, मैंने पहले ही आपको समझाया। अब इसको इसी रूप में हम रहने देंगे और इसको इसी रूप में हम x वाले इस फार्मूले में रखेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू 5.00, यहाँ पे इंटू छूट गया है तो इंटू आप कर लेंगे, 5.00 इंटू 10 का पावर -2 अपान 30 और अपान कैपिटल n। फिर यहाँ पर हमने स्मॉल n को निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि इसका मान बहुत कम है। तो x के इस मान को अब हम इस फार्मूले में रख सकते हैं। तो हमने फार्मूला पढ़ा, यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे हमको मिल गया 5.00 गुणे 10 का घात ऋण 2 अपन 30n। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं p इक्वल टू kH इंटू x। तो p का मान हमको निकालना है, तो p को p रहने देते हैं, kH का मान हमको पहले ही पता था, kH के जगह पे kH का मान रख दिए और x के स्थान पे ये वाला मान रख दिए जो कि अभी हमने निकाला है मोल अंश का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30n से 30n कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, और इसीलिए मैंने पहले कैलकुलेशन नहीं किया था, क्योंकि आसानी से ये 30n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमको p बराबर मिल जाएगा 5.00 गुणे 10 का घात ऋण 2 अपान 6.56 इंटू 10 पावर -3। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको p का मान मिल जाएगा 7.62 बार, जो कि आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। कुछ किताबों में आप देखेंगे कुछ जगह पे ये लगाया गया तो इसका आंसर ऐसा नहीं आया है, तो वहाँ पे अंतर ये है कि जो ये पावर हमने 6.56 इंटू 10 पावर -3 रखा है, तो वो लोग -2 रख के लगाए हुए हैं, तो थोड़ा अलग आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा 0.762। तो उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, लगाने का अच्छा तरीका यही है।
उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली।